एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि जो मैंने पनीर की सब्जी बनाने के लिए ऑलरेडी ये सब फ्राई करके रखा है, तो मैं पनीर की सब्जी बना रही हूँ। बेसिकली यही है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी पनीर को फ्राई कर लिया। यहाँ पे कैप्सिकम, प्याज और मटर को भी थोड़ा सा फ्राई कर लिया है। और अब जाके मैं आगे का प्रोसेस बताती हूँ कि क्या है। कि एटलीस्ट उसके क्रिस्पीनेस रहे, कैप्सिकम एंड ऑनियन के रहे। उसके बाद हम जब ये हीटर पहुँचाते हैं ना, तो हम इसका मस्टर्ड ऑयल यूज़ करेंगे। थोड़ा ज़्यादा आपको यूज़ करना होगा, क्योंकि इस पनीर की सब्जी में मस्टर्ड ऑयल थोड़ा ज़्यादा यूज़ होता है। जब एक बार ये ऑयल हीटर पहुँचा है, तो उसके बाद हम थोड़ा सा जीरा ऐड करेंगे। ज़्यादा भी नहीं करना है, थोड़ा ऐड करने से चलेगा। आप इसके बाद मेथी भी यूज़ कर सकते हो और बेलीफ भी यूज़ कर सकते हो, पर मैं नहीं कर रही हूँ, मैं सिंपल सा बनाऊंगी। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, अभी इसमें ये जो मैंने चॉप करके ऑलरेडी ऑनियन को रखा है, अभी ये दो मीडियम साइज का ऑनियन है, तो उसको मैंने अच्छे से चॉप कर दिया। अब मैं इसको इसमें ऐड कर दूंगी। एक बार के लिए गैस के फ्लेम को थोड़ा हाई रखो, आप इसको कंटिन्यूसली चलाते रहो, एकदम डार्क ब्राउन भी नहीं करना है। आप वीडियो में बने हो, आपको मैं बता देती हूँ कि मतलब मैं दिखाती हूँ कि कब आपको टमाटो का पेस्ट ऐड करना है, क्योंकि मैंने वो ऑलरेडी सी मैंने इसमें ऑलरेडी दो छोटे छोटे टमाटर के पेस्ट बना लिए। अगर आप इसकी जगह एक मीडियम टमाटर भी यूज़ करोगे तो चलेगा, और अगर आपको ज़्यादा खट्टा पसंद हो तो आप दो टमाटर भी यूज़ कर सकते हो। तो मुझे ज़्यादा खट्टा पसंद है नहीं बेसिकली, तो मैंने दो छोटे छोटे टमाटर को यूज़ किया है। अब मैं इसका स्टीम है ना थोड़ा लो कर दूँगी, क्योंकि मुझे कुछ और काम भी है। नाउ ये जो दही है जो मैंने थोड़ा सा बाउल में ऑलरेडी निकाल लिया है, इसमें हम थोड़े मसाले वगैरह ऐड करेंगे। सो लेट मी शो यू दैट। इसमें मैंने जैसे कि बताया, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, ब्लैक पेपर, रेड चिली पाउडर और जीरा पाउडर, ये सब है इसमें। तो अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा मिक्स करके रख लेते हैं, और इसका जब ऑनियन का जो कलर है वो थोड़ा चेंज हो जाए, तो उसमें हम जो हमने टमाटो का प्योरी बनाया उसको ऐड करेंगे, और उसके बाद हम इस वाले को ऐड करेंगे। सो आप वीडियो में बने रहिए। थोड़े थोड़े आपको वीडियो में दिख रहे होंगे कि कुछ कुछ जो है ना थोड़ा लाइट ब्राउन जैसे इसका कलर आ चुका है, तो अब ज़्यादा वेट नहीं करना, अदरवाइज वो डार्क ब्राउन में भी कन्वर्ट हो सकता है। सो नाउ ये जो मैंने प्योरी बनाया उसको मैं ऐड कर दूँगी इसमें। सी मेरा प्योरी, अब उसको ऐड करते हैं। स्टीम को मैं थोड़ा हाई कर दूँगी, मैं इसको कंटिन्यूसली चलाऊंगी, नॉट कंटिन्यूसली बट यार साथ में इसको मैं अच्छे से चलाती रहूंगी। एक बार मैं ऐसे बबल्स आने लग जाएंगे तो मैं स्टीम को कम कर दूंगी। तो आप लोग देख सकते हो इसमें बबल्स आना शुरू हो चुका है, तो अब मैं इसकी स्टीम को एकदम कम कर दूंगी, और टिल दैट टाइम मैं अपने हस्बैंड के लिए चाय का प्रिपरेशन कर देती हूँ। सो हियर वी गो गाइस, तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। गैस को ऑन कर लिया और अभी दूध मैंने डाल दिया। दूध मैंने कितना डाला वो भी मैं बता दूँ, ये जो इतनी इसके साइज़ के है ना, इससे मैंने दो पूरा भर भर के डाला है दूध। और ये रहा मेरा चाय पत्ती और चीनी। चलो अभी मैं ये थोड़ा सा, मैं पता नहीं कि उसको बॉयल होने से पहले सब कुछ ऐड कर देती हूँ। जैसे कि देखो आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने अभी अभी इसको चढ़ाया, तो अभी मैं इसमें थोड़ा सा अदरक डाल रही हूँ।
घी पूरा इस टेबल स्पून से एक टेबल स्पून डालेंगे। चाय पत्ती को भी मैं सेम टेबल स्पून से यूज कर रही हूँ, बट एक से थोड़ा कम डालोगे आप, सही नहीं इसको भी एक ही डाल लो अगर आपको प्रॉपर कलर चाहिए तो। ना मिक्स इसमें एक बार बॉयल आ जाए ना, तो उसके बाद मैं इसको कम तीस स्टीम करके छोड़ देती हूँ। ये अच्छी खासी तरीके से अपने आप बन जाती है। सी आपको दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा बॉयल आना इसमें स्टार्ट हो चुका है, तुमको कम कर देती हूँ क्योंकि मुझे अभी सब्जी को देखना है। तो ये भी हमारी सब्जी, इसको एक बार चला लेते हैं, मैंने हाथ से चलाया भी नहीं था, और ऐसे मैश करते रहना है। I don't have a proper lid जिससे मैं इसको ढक पाऊँ, तो I'll use a plate जिसमें मैं खाना खाती हूँ, थाली, और you can see it as थाली। See, I have this थाली, so मैं इसको भी यूज़ करूँगी क्योंकि मेरे पास और है नहीं। ये कवर करने से अगर आपके पास लीड है प्रॉपर तो आप लीड के हेल्प से कवर कर देना, सो ये जल्दी जल्दी बन जाएगी। सो ये देखो गाइस, इसका कलर चेंज हो चुका है और ये चाय बन के रेडी हो चुकी है। बस एक अब मैं फुल स्टीम करके एक बार इसमें बॉईल ले आती हूँ, उसके बाद मैं गैस को ऑफ कर दूँगी। यस यस दैट्स इट गाइस, अब हम चलते हैं इसको ड्रिंक कर लेते हैं। सो ये रही गाइस मेरी चाय बन के रेडी हो चुकी है, और मैं इसको फटाफट से हस्बैंड को दे देती हूँ, और फिर मैं इस लीड को हटा करके देखती हूँ सब्जी का क्या हाल है फिलहाल। तो सो अब हम एक बार लीड को हटा के चेक कर लेते हैं। ये देखो गाइस पक चुकी है, आपको थोड़ा डार्क ब्राउन टाइप दिख रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा इसका कलर टैग की प्रॉपरली पक चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे इसमें, ये जो हमारी दही है जिसको जिसमें मैंने मसाला ऐड किया, तो उसको अच्छे से फटाफट से मिक्स करते हैं बिकॉज। और हाँ, आप एक चीज़ ध्यान रखना, जब आप दही ऐड करोगे मसाले वाली दही को, तो आप इसमें बेसन भी थोड़ा ऐड कर सकते हो, बट आप स्टीम को डेफिनेटली एकदम से कम रखना, नहीं तो क्या ना फटने पर डर जाता है। तो स्टीम मेरा ऑलरेडी कम है, जो आपको प्रॉपरली वीडियो में नहीं दिख रहा होगा क्योंकि मेरा फ़ोन मैंने फिक्स कर दिया है। अभी मेरे पास इतना टाइम है नहीं, मैं बता सकती वीडियो बनाऊंगी और मुझे फिर स्कूल जाना है। सो ये रही दही मिक्स हो चुकी है गाइस, अब इसमें ऐड करते हैं। अब ये जो आप सोच रहे हो इसको मैं फेंक दूंगी, बिल्कुल नहीं, मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके ये सबको वॉश करके इसमें डालूंगी, वॉश इन द सेंस की पानी डाल के इसको मिक्स करके इसमें डालूंगी। बट पहले मैं इसको मिक्स कर दूँ क्योंकि जब आप दही डालते हो ना, तो उसके बाद आपको चलाना पड़ता है, वो भी कम थी स्टीम में, नहीं तो फटने का बहुत ज़्यादा डर रहता है। तो इसी वजह से इसको चला दूँ। आप इस रेसिपी को इस तरीके से बना के देखो गाइस, ट्राई करो, क्योंकि मैं इसको सेकेंड टाइम बना रही हूँ। हमेशा मैं जो रेस्टोरेंट स्टाइल होता है ना, वो मीठी मीठी वाली पनीर, मैंने उसको ट्राई किया, विच आई लव मोस्ट। घर में जानती हूँ बनाना, फिर भी मैं रेस्टोरेंट जाके वही सब्जी खाती हूँ, बट दिस ये वाला मैं सेकेंड टाइम ट्राई करी क्योंकि मेरे हस्बैंड को ये ज़्यादा पसंद है। और अब थोड़ा स्टीम को हम थोड़ा हाई कर लेते हैं, तो मिक्स करते रहेंगे और इसमें बॉयल आएंगे, उसके बाद हम थोड़ा पानी ऐड करेंगे, कर लेते हैं अच्छे से, है ना। दही डालने के बाद ज़्यादा टाइम के लिए इसको चलाने का नीड नहीं है, जस्ट 1 to 2 मिनट आप इसको चला लो, मिक्स कर लो, फिर इसमें पानी आप ऐड कर सकते हो। इसको कंटिन्यूसली चलाना अगर आपका फ्लेम जो है वो हाई है, तो आपको कंटिन्यूसली चलाना होगा। मैं चला लेती हूँ थोड़े टाइम के लिए। अगर आप लोग को इस वीडियो में कोई चीज़ समझ ना आएगा तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, और आप लोग पूछ सकते हो कोई भी चीज़ के बारे में। चलो ठीक है, मिक्स तो हो चुकी है, अभी वापस मैं इसकी फ्लेम को लो कर लूँगी, एकदम लो कर दिया मैंने। और जो मैंने बताया था कि ये बाउल को मैं ऐसे ही इसमें जो मसाले लगे इसको वेस्ट नहीं जाने दूंगी, तो इसमें मैं क्या करूंगी, अभी जो इसमें टोमेटो का प्यूरी मैंने बनाया था उसमें भी था, तो अब इसमें इसको ऐड करते हैं। थोड़ा
थोड़ा थोड़ा ही पानी ऐड करूँगी मैं, जो मुझे ज़्यादा ग्रेवी भी नहीं चाहिए। ऐड मोर, देखो इसमें आपको दिख रहा होगा ना, वेस्ट करने से अच्छा है कि आप उसको यूज़ कर लो ना, क्यों वेस्ट करना पानी। वो मसाला मैंने पहले भी इसमें डाला है तो क्यों ना इसमें पानी डाल के यूज़ कर लें। सो अब गाइस हम क्या करेंगे, पानी डालने के बाद स्टीम को फुल रखेंगे पूरा। सो इसमें एक बॉईल आना चाहिए एक बार। सी आपको पूरा ऑयल मतलब पता चल रहा होगा, तो ऐसा ही बन रहा है ये सब्जी। आप लोग सोच रहे हो कि कितना ऑयली ऑयली हो रहा है, बट ये वाली सब्जी ऐसी बनती है गाइस। अगर आपको ऑयल ज़्यादा पसंद है खाने में तब तो आप इस सब्जी को बहुत पसंद करने वाले हो, अदरवाइज आप अगर कमती ऑयल खाते हो तो इस सब्जी को बनाने के टाइम आप ध्यान रखना, आप कमती ऑयल देना। बट उस केस में है ना ये सब्जी उतनी ही ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है, सो दैट्स व्हाई मैं इस वीडियो को ज़्यादा स्किप कर करके नहीं दिखा रही हूँ। सो आप लोगों को समझ आए प्रॉपरली कि ये सब्जी मैंने किस तरीके से बनाया है, और आप लोगों के लिए हेल्पफुल भी रहे। और मैं ये सब चीज़ इसलिए करती हूँ ना कि क्या है ना कि कभी कभी कोई चीज़ मुझे YouTube पे सर्च आउट करना होता है तो मुझे बहुत रेयरली कोई भी आइटम्स मिलता है, चाहे खाना हो चाहे मेकअप आइटम्स हो कुछ भी। तो मैंने ये डिसाइड किया अपने लाइफ में कि मैं जब भी वीडियो बनाऊँगी तो एक प्रॉपर तरीके से बनाऊँगी, सो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहे वो चीज़। हाँ सी आप लोग देख सकते हो दैट की बॉइल आ चुके हैं। तो इस स्टेज पे हम क्या करेंगे, फ्लेम को हाई ही रहने देंगे और ये जो हमारे ये जितने भी वेजीज एंड पनीर है उसको ऐड कर देंगे। सी जब एक बार ऐड कर देंगे ना तब जा करके हम क्या करेंगे, हमारे स्टीम को लो कर देंगे ताकि थोड़े टाइम के लिए एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी फ्राई किया हुआ था सब चीज़ तो इसको बनने में ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, तो स्टीम एक बार के आप फहाई रहने दो एक मिनट के लिए, इसमें बॉईल आने दो आप, है ना। आपको भी लग रहा होगा कि काफ़ी ज़्यादा ग्रेवी है, पर जब हम इस स्टीम को ऑफ कर देंगे और इसको हाफ एन आवर के लिए रेस्ट करने देंगे तब क्या होता है ना ये थोड़ा थिक हो जाता है। तो आप इस चीज़ का बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना कि ग्रेवी बहुत ज़्यादा हो गया तो क्या करें, वो हाफ एन आवर में सेटल हो जाता है। आई डोंट नो दैट ये वीडियो लॉन्ग होगा या शॉर्ट होगा, बिकॉज मैं इसको प्रॉपरली दिखाने के लिए आप लोगों को ये वीडियो को मे भी लॉन्ग कर सकती हूँ, क्योंकि सी ये तो बॉयल हो रहा है, मैं इसको कट कर सकती हूँ वीडियो में, बट नो मुझे दिखाना है कि मैं कितने टाइम तक मैं इसको बॉयल होने दे रही हूँ और कौन से स्टेज पे कम से स्टील कर रही हूँ या तो फ्लेम को बंद कर रही हूँ, वो सब मुझे दिखाना है प्रॉपरली आप लोगों को। और फाइनल रिजल्ट है ना मैं आप लोगों को बाद में दिखाऊंगी, लाइक अभी तो बंद कर दूंगी तो हाफ एन आवर बाद उसका क्या टेक्सचर होता है वो आई विल शो यू लेटर ऑन। इस स्टेज पर आप है ना लीव से कवर भी कर सकते हो, बट मैं बिना कवर किए, और जब आप कवर करोगे तो स्टीम को लो रखना, बट मैं बिना कवर किए हुए कर रही हूँ तो इसलिए मैंने स्टीम को हाई रखा है। गाइस वीडियो बनाने के चक्कर में मैं एक चीज़ तो डालना भूल गई, दैट इज़ सॉल्ट, तो मैं अभी भी डाल सकती हूँ उसको, दैट्स नॉट अ बिग डील। सॉल्ट तो आप अपने हिसाब से डाल लेना कि आप कितना खाते हो नहीं खाते हो, मैं तो इस टेबल स्पून से हाफ मान सकती हूँ, ये हाफ है स्प्रेड हुआ पड़ा है। आई लाइक दिस मच, आई लाइक अ लिटिल बिट मोर, दैट्स इट। सो नमक अब स्टार्टिंग में ऐड करो या एंड में स्टार्ट करो, सॉरी एंड में ऐड करो, दैट्स नॉट अ बिग डील। अभी आप इसके कसूरी मेथी भी ऐड कर सकते हो, अगेन गरम मसाला ऐड कर सकते हो, बट दैट्स इट गाइस। ये मुझे लग रही है इतना ग्रेवी रहने देना चाहिए क्योंकि थोड़ा थिक हो जाता है बनने के बाद, मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। सो नाउ अब करेंगे हम फ्लेम को ऑफ और नीचे इसको कवर कर देंगे गाइस। मैं इसका फाइनल रिजल्ट जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि मैं थोड़े बाद में दिखाती हूँ, टिल दैट टाइम इंजॉय द वीडियो गाइस। Hey guys, so हाफ एन आवर हो चुके हैं, तो अभी मैं आप लोगों को सब्जी का कलर दिखाती हूँ।
देख रहे हो आप कितना ज़्यादा डिलीशियस लग रहा है देख करके। इसलिए मैंने कहा था कि जब आपकी ग्रेवी ज़्यादा हो जाए तो आप तो अगर आपकी ग्रेवी ज़्यादा हो जाए तो आप डरना नहीं बिल्कुल भी। मैंने बताया था कि ठीक है अगर ज़्यादा हो गया तो मैंने हाफ एन आवर छोड़ा, आप हाफ एन आवर से ज़्यादा छोड़ दो टाइम के लिए रेस्ट कर दे दो, बहुत अच्छा बन के रेडी होता है गाइस। जैसे कि मैंने आप लोगों को वीडियो में अभी भी दिखाया, आप मैं वापस से आपको दिखाती हूँ। बट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई दिस यूट्यूब वीडियो गाइज। होप कि ये वाला जो सब्जी बनाने का रेसिपी है वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट करो, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। और चलिए मैं दिखाती हूँ वापस से सब्जी मैंने कैसा दिख रहा है मेरा, इतना डिलीशियस दिख रहा है। मैं इसको फटाफट से सर्व करूँगी खाऊँगी क्योंकि मुझे स्कूल जाना है। सो फटाफट से रेडी हो रही हूँ, मैं अभी तक रेडी भी नहीं हूँ और काफ़ी लेट हो चुका है मेरा आज स्कूल जाने के लिए क्योंकि मुझे वीडियो बनाना था। सो ओके फॉर द वेस्टिंग एनी टाइम, दिखाती हूँ वापस से।